ये तो रास्ता दिख ही नहीं रहा। उठा। ए, उठो। क्या साहब, दुकान खोल के सोए पड़े हो यहाँ? क्या करूं साहब, धंधा ही नहीं है इसलिए सोया रहता हूँ। धंधा क्यों नहीं है? ये आगे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो इसलिए उन लोगों ने ये रास्ता ही बंद कर दिया है। ना गाड़ी आती है, ना आदमी आते हैं, ना धंधा होता है। इधर रास्ता बिल्कुल बंद है? जी साहब। कमाल है, रास्ता बंद है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट है, काम चल रहा है। तो इसका मतलब वो गाड़ी इससे आगे तो जा ही नहीं सकती। सर और तो और, हमें क्लिनिक से लेकर रास्ते में वो सफेद गाड़ी कहीं नजर ही नहीं है। वहाँ बीच में रास्ते में दो तीन गलियां थी ना, उनको चेक करते हैं, शायद वहीं कहीं छुपा दियो। पिछली दो गलियों में तो कुछ मिला ही नहीं सर। इस गली में देखते हैं। सर ये वाटर बॉटल कहीं ध्रुव का तो नहीं? हो सकता है। ध्रुव के स्कूल का आईडी कार्ड है सर। मतलब हम सही रास्ते पे हैं। सुनसान गली के अंदर इतना बड़ा मकान। सर लगता है सुनसान जगह का फायदा उठाकर उन लोगों ने ध्रुव को यहीं पर कैद करके रखा है। अंदर चल के देखते हैं। माय गॉड, ये तो मर चुका है। खुल से बच्चे का बैग, लगता है बच्चे को यहीं पे बांध कर रखा गया था। अच्छा दिख नहीं रहा, विनीत ऊपर जाकर देखो। सर इसके चेहरे पे तो काफी चोट के निशान है, लगता है इसे बहुत पीटा गया है। कोई आईडी भी नहीं है। और भी एक काम करो, इस आदमी की फोटो खींचो और सभी पुलिस स्टेशन में भेज दो, सब अखबारों में भी छुपाओ, शायद कोई पहचान ले। सर एम्बुलेंस बुलाओ, बॉडी को भेज दो। ध्रुव, ध्रुव बेहोश, बेहोश है। उठाओ, उठाओ, इसको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना होगा, जल्दी चलो। ध्रुव? हाँ बेटा। बोलो बेटा, बोलो, तुम ठीक हो? बोलो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है? हाँ तुम्हें कुछ नहीं हुआ है बेटा? एक्सक्यूज मी डॉक्टर। ध्रुव की तबीयत अब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। थैंक्स ऑफिसर जी, आपने हमारे बेटे को बचा लिया। थैंक यू। लेकिन अभी इस कमजोरी है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके इसे आराम करने दीजिए। जी। और सर आप लोग जरा प्यार से पूछताछ कीजिएगा। जी समझ गए। बेटा आप जानते हो बहुत ही बहादुर और निडर बच्चे हो, आप जैसे ही हॉस्पिटल से वापस घर पहुंचो हम आपके लिए एक बढ़िया सा गिफ्ट लेकर आए। अभी आप आराम कीजिए,
हम आपसे मिलने फिर आएंगे, ओके? अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको जो पूछना है पूछिए, आप उन बदमाश अंकल को पकड़ कर पनिश कीजिए। अरे वाह, ये हुई ना बात। देखना बेटे, एक दिन तुम बड़े होकर जरूर CID ऑफिसर बनोगे। बेटा वो घायल अंकल जिनकी आप मदद करना चाहते थे, आपको उनका नाम पता है? उनका नाम हाँ, कैलाश अंकल था। कैलाश? अच्छा, आपको उन बदमाश अंकल के बारे में कुछ पता है? वो कितने लोग थे? वो 4 लोग थे। बेटा ये देखो, इनमें से कोई था क्या, या इससे कोई मिलता जुलता? ये देखो, इन ड्राइंग्स में कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आपको जितना याद है उतना बता दीजिए। हाँ अंकल, उनमें से एक अंकल को वीडियो गेम खेलने का बहुत शौक था। वो हमेशा मोबाइल पर वीडियो गेम खेलते रहते थे। वो कैसा दिखता था कुछ याद है? हाँ, उनके गाल पर यहाँ पे बड़ा सा तिल था। बेटा और कुछ याद आ रहा है आपको? कार्निक होम्स। हाँ, कैलाश अंकल मुझे किसी कार्निक होम्स के बारे में बता रहे थे। अच्छा, क्या बताया उन्होंने? बताने ही वाले थे, उतने में बदमाश अंकल आ गए। ठीक है बेटा, अब आप आराम कीजिए, हम चलते हैं। कार्निक होम्स, ये तो एक कंस्ट्रक्शन साइट है जहां पर किसी टावर पर काम चल रहा है। सर, कार्निक होम्स से कैलाश का क्या कनेक्शन हो सकता है? ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। रेंजू, क्या तुम किसी बदमाश को जानते हो जिसके यहाँ पर बड़ा सा तिल हो? जानता तो नहीं, पर मैं ढूंढ निकालूंगा उसे। पुलिस रिकॉर्ड चेक करो, देखो किसी कैलाश नाम के आदमी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज हुई है या नहीं। आप? सर मेरा नाम गौतम है, जिसकी फोटो आपने न्यूज़पेपर में छपवाई थी, कैलाश वो मेरा दोस्त था, और ये उनकी पत्नी सविता। सविता जी, हम जानते हैं कि ये वक्त ठीक नहीं है कि हम आपसे कुछ सवाल पूछें, मगर कैलाश जी के खूनी को पकड़ने के लिए हमें आपसे कुछ सवाल पूछने होंगे। आपको किसी पे शक है? उनका कोई दुश्मन था? नहीं, उनका कोई दुश्मन नहीं था। अच्छा ये बताइए कि उनको आखिरी बार आपने कब देखा था? 5 तारीख को, वो जॉब के लिए सुबह निकले थे और वे शाम को लौटे ही नहीं। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में कैलाश जी के रवैये में कुछ अजीब बात थी, या फिर किसी से कुछ खास बात करते हुए सुना हो? पिछले कुछ दिनों से परेशान चल रहे थे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते थे। मैंने कितनी बार उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं बताया। कहाँ नौकरी करते थे वो? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग डिपार्टमेंट में काम करते थे वो। गौतम, कैलाश जी तो आपके बहुत अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने आपको कुछ बताया? उसने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन जिस दिन वो लापता हुआ उसने सुबह मुझे मिला था। वो कहीं जा रहा था, बहुत जल्दी में था, मैंने उसको लिफ्ट देनी चाहिए तो उसने मना कर दिया और वहां से निकल गया, लेकिन वो परेशान था तो मैंने उसका पीछा किया। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो वो किसी से बातें कर रहा था, लेकिन वो जिससे बातें कर रहा था मैं उसका चेहरा देख नहीं पाया, और मुझे शक हो गया कुछ ना गड़बड़ है। और जब कैलाश वहां से निकला तो उसने मुझे देख लिया और मुझे भड़कने लगा, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? मेरे पीछे पड़ा हुआ है तू? तो मैंने कहा तू मेरा दोस्त है, मैं तेरी हेल्प करना चाहता हूँ, तो कैलाश मुझे तेरी हेल्प नहीं चाहिए, तू जा यहाँ से। मेरी फिक्र मत कर, तू गुस्से वहां से चला गया। उसके बाद कैलाश गायब हो गया। उस आदमी के साथ ये झगड़ा कहाँ हुआ था, कौन सी जगह थी? सर देखकर लगता नहीं कोई वहां पे रहता होगा, खाली पड़ा हुआ बंगला था। खाली पड़ा हुआ बंगला? इस बंगले में चल के देखते हैं,
अरे कैलाश जहाँ पे काम करता था वहां पे जाके पूछताछ करते हैं, वहीं से पता चलेगा इसे कौन परेशान कर रहा था। भैया एकदम नया वाला और सबसे बढ़िया वाला वीडियो गेम तो ये वाला अभी भी नया निकला है और जबरदस्त चल रहा है। अच्छा है, अरे वाह मुझे आ गया, पैसे दे दो। ओके थैंक यू। कहाँ पे खड़े थे तुम उस दिन? सर मैं उस जगह खड़ा था। सर मैं यहाँ पे खड़ा था, इस जगह पे। और वो लोग कहाँ थे? सर इस पिलर के पीछे। पिलर के पीछे? खिड़की में शीशा नहीं है, थोड़ा अंदर घुस के देखते तो दिखता ना आदमी। सर उस दिन शीशा था इसमें और खिड़की ना सर इतनी सी खुली हुई थी, इतनी सी। उस दिन शीशा था? जी सर। आज टूट गया। घर के सारे शीशे अच्छी तरीके से हैं, सिर्फ खिड़की का शीशा टूट गया है। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? कहीं तुम्हें तो नहीं मारा कैलाश को? सर कैलाश के एक नहीं बहुत सारे दुश्मन थे। बहुत सारे दुश्मन? वो क्यों? क्योंकि कैलाश कभी रिश्वत नहीं लेता था, वो एक सख्त और ईमानदार ऑफिसर था। उसे कुछ गलत लगे तो बिल्डिंग का प्लान पास नहीं करता था। अच्छा इस कार्निक होम्स के बारे में कुछ बता सकते हैं आप हमें? जी हाँ, कार्निक होम्स एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है जो रचना नगर में बंद रही थी। कैलाश ने उसका काम रुकवा दिया था क्योंकि उसका प्लान सही नहीं था। कार्निक होम्स का मालिक कैलाश के पीछे पड़ गया था, वो चाहता था कि कैलाश कुछ भी करके उसका प्लान पास करवा दे, लेकिन कैलाश अपने उसूलों पर डटा रहा, उसने कार्निक होम्स का कंस्ट्रक्शन रुकवा दिया। थैंक यू। कार्निक होम्स के मालिक को बुलाओ, उस जगह का कुछ ना कुछ तो राज है। अब यहाँ पर तुम दोनों कोई जोक मत करना वरना लोग तुम दोनों को जोकर कहेंगे, जोकर। तुम दोनों को डॉन जैसा बन के रहना है। ये गेम तो आपने अभी अभी लिया है, मगर इसके चैंपियन भी बन गए। अरे ये गेम है ही ऐसा, इसमें इतने सारे लेवल हैं, इतने सारे लेवल हैं कि इसमें जितना भी खेले उतना ही कम पड़ता है। क्या मैं तुम्हारा ये गेम खेल सकता हूँ? हाँ, गेम खेलोगे? हाँ, गेम खेलेगा। तुम्हें गेम खेलना है? हाँ मुझे गेम खेलना है। तो फिर चलो हमारे साथ, जेल में खिलाएंगे। जेल में? आप लोग कौन हो? CID। साहब हमें जाने दो साहब, हमने कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहे हो तुम? तुमने कैलाश जी को अगवा किया और उसको मार दिया तुमने। बाकी के साथी कहाँ है तुम्हारे? तो कोई भी नहीं दिख रहा है। बताओ कैलाश जी को मारने के लिए तुम लोगों को किसने पैसे दिए थे? साहब नाम तो पता नहीं, उसने सिर्फ एक बॉक्स में पैसे और कैलाश जी के फोटो दिए थे। हाँ सर ये बिल्डिंग मेरी है, मैं ही बना रहा हूँ, लेकिन अभी फंड की कमी की वजह से काम रुका पड़ा है। पर सर मुझे यहाँ क्यों बुलाया सर आप लोगों ने? कैलाश को जानते हो? कैलाश? कौन कैलाश? कैलाश ने हमें इस जगह के बारे में बताया। कुछ तो है यहाँ पे। सचिन शेन चेक करो, लेकिन इनके साथ यहीं पे रुको।
सर। ये देखिए सर, खून लगा हुआ यहाँ पे। खून? मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ है जिसके बारे में कैलाश को पता चल चुका था। ये देखो घसीटने का निशान। सर ये तो किसी की लाश है। हटाओ इसे। निचे हटा रहा सौरव जी। सर इस आदमी को पहचानते हैं? नहीं सर। क्यों मारा इसे? मतलब सर मैंने नहीं मारा सर, मेरा यकीन कीजिए। मैं क्यों, मतलब सर वो सारा प्लान उसका था। किसका प्लान था? सौरभ इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया तुमने मुझे? कि किससे मारा तुम्हें? क्या हुआ, क्या हुआ? वो हम बताते हैं सविता जी, हम बताते हैं। सीआईडी? अब तुम्हारा नकाब हट गया है सविता। ये सब हम दोनों ने मिलके किया था। मैंने कैलाश से ये सोचकर शादी की थी कि वो बहुत बड़ा ऑफिसर है। मुझे लगा उससे शादी करके सारी जिंदगी ऐशो आराम की जीऊंगी, लेकिन नहीं, वो निकला एक ईमानदार ऑफिसर। और फिर जब मेरी मुलाकात सौरभ से हुई तो मुझे लगा ये मेरे सारे सपने पूरे कर सकता है, और इसने मुझसे शादी करने का वादा भी किया था। दरअसल मैंने कैलाश को रिश्वत की लालच दी थी पर उसने मना कर दिया और मेरे बिल्डिंग का प्लान भी पास नहीं किया। तो मैंने और सविता ने राकेश को इस तरह मारने का प्लान बनाया ताकि उसके खून का इल्जाम कैलाश पर लग जाए। राकेश ही क्यों, और वैसे भी राकेश की मौत का इल्जाम कैलाश पर कैसे आने वाला था? राकेश और कैलाश सौतेले भाई थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत नफरत करते थे और हमने इसी बात का फायदा उठाया। राकेश को तुमने अपने ही कंस्ट्रक्शन साइट पे क्यों मारा? सोचा था राकेश को मार के कैलाश को धोखे से हम वहां पे बुला लेंगे, और जैसे ही कैलाश वहां पे पहुंचेगा हम राकेश के खून का इल्जाम कैलाश पर लगा देंगे। लेकिन अफसोस, कैलाश अपने वक्त से पहले ही वहां पे पहुंच गया और तुम दोनों को राकेश का खून करते हुए देख लिया। सर मैंने तो सिर्फ कैलाश को अगवा करने के लिए कहा था, हमें क्या पता था इस तरह उसकी मौत हो जाएगी। सर ऐशो आराम की जिंदगी के लिए तुम दोनों ने एक बेकसूर आदमी का खून किया है, एक ईमानदार पति को धोखा दिया है। अब जेल का ऐशो आराम देखना तुम दोनों, फांसी का ऑर्डर आने तक। रुक बेटा, तुम बहुत बहादुर हो और अकलमंदी, उन बदमाशों को पकड़ने में तुमने हमारी बहुत मदद की है, और ये है आपका इनाम। थैंक यू अंकल। यू आर मोस्ट वेलकम। एक बात याद रहे, तुम
तुम्हारे मम्मी डैडी अगर पढ़ाई के लिए कभी तुम्हें डांटते हैं तो इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। बच्चों, तुम्हारे माता पिता तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि आप पढ़ लिख के आगे बढ़े, खूब 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 नाम कमाएं। और सभी माँ बाप इस बात का ध्यान रखें कि वो अपने बच्चों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अकेला ना छोड़े, उनका ध्यान रखें, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दें, उन पर दबाव ना डालें, बच्चों के कोमल मन पर असर पड़ सकता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।